न्यू व्लॉग ऑफ मारिया मिर्ज़ा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना ब्रेड। इसको बनाना केक भी कहते हैं, बनाना ब्रेड भी कहते हैं। तो ये रहे इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने लेने हैं 2 अंडे, 2 बनाना। इसको राइप कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कच्चे वालों में ये बिल्कुल येलो जो होता है ना, उसका टेस्ट नहीं होता इतना, जो टेस्ट इसका आता है राइप बनाना इसका। 1 कप हम लेंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1 कप। 1/2 कप हम लोग लेंगे शुगर, 1/3 हम लेंगे कप ऑफ ऑयल। ओके, 1 टीस्पून के करीब हमारा ये है बेकिंग पाउडर, 1 1/2 टीस्पून, सॉरी मतलब 1/2 टीस्पून के करीब है बेकिंग सोडा, और ये हम लेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा बढ़ती है ये वनीला एसेंस। ओके, सो अभी मैं इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ मिक्सचर में। इजी एंड क्विक रेसिपी है। सबसे पहले मैंने डालना है 2 राइप बनाना, फिर इसमें डालेंगे अंडे, और फिर हम डालेंगे ऑयल, और इसके बाद इसको शुगर के साथ करेंगे ब्लेंड। मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 अंडे, अभी मैं डालती हूँ इसमें 2 राइप बनाना। ठीक है, फिर अभी हम इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑफ ऑयल, और फिर अभी हमने डाल दिया इसमें 1/2 कप शुगर। ये हमारा शुगर, ऑयल, एग और बनाना का काम होता है ख़त्म। अब हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रहता है ये दोनों। तो इसमें मैंने जो 4 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इसको मैं अच्छे से करती हूँ ब्लेंड। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि इसका अच्छा सा एक बैटर बन जाए, फिर इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। हमारा बैटर हो गया है रेडी। अभी हम इसमें इसको बॉल में डालते हैं और फिर आपको आगे का स्टेप बताते हैं। मैंने इसमें बॉल में ये बैटर निकाल लिया, ये इस तरीके से हो गया है पतला पतला सा। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैं इसको छन्नी के मतलब हेल्प से, छन्नी ये हो गई, इसके हेल्प से ये डालूंगी, और इसके साथ फ्लावर के साथ मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसमें ये डाल दिया है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। आपने दूसरे तरीके से स्पून नहीं चलाना, बस एक यही वे रखना है और उसको मिक्स करते जाना है, इसको फोल्ड करते जाना है। यहाँ से लेना है, यहाँ पे ये गोल घुमा के बीच में से बस। सी द स्मूथ बैटर इज हियर, और मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा करके वनीला एसेंस। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे इसको ग्रीसिंग करनी है बेकिंग ट्रे को। एक ट्रे को हम ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद मैंने अभी इसको फिक्स कर दिया है, इस पे सेट कर देते हैं 180 पे हम प्री हीटेड करते हैं। 10 मिनट तक इसको रखती हूँ, फिर इसको हम बेकिंग के लिए रखेंगे। तो सेट कर दिया है मैंने इस तरीके से बेकिंग पेपर, वो बटर पेपर लगा के, बेकिंग पेपर जो होता है, और इसके अच्छे से ग्रीसिंग हो चुकी है। अब ये बैटर मैं इसमें डालती हूँ, फिर हम इसको इसमें हमने डाल दिया है बैटर, और बेकिंग के लिए अब हम इसको अंदर कर देंगे क्योंकि ओवन हो गया हमारा प्री हीटेड। 180 पे हमें इसको 30 से 35 मिनट्स तक बेक करना है। तो इंशाल्लाह बेकिंग के बाद दिखाते हैं इसको कि क्या लुक आता है। एंड द बनाना ब्रेड इज रेडी डेडी। This is the banana bread. इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँ, फिर इसके स्लाइस करेंगे। फाइनल ये रही बनाना ब्रेड। इतना सॉफ्ट है, ओहो, इट्स वेरी हॉट, पर बहुत गर्म है। तो मैं इसको इस तरीके से लपेट के रखूं, वरना ये खराब हो जाती है, कड़क हो जाएगी। इससे सेफ भी रहती है और फ्रेश भी रहती है।